हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अरबाब फहीम दासी और आप मुझे देख रहे हैं oya.com। आज मैं रिव्यू करूंगा Realme C21 को। रिव्यू शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। फ्रंट पे हमें मिल जाता है 6.5 इंचेस का डिस्प्ले और साथ ही हमें मिल जाता है हमारा सेल्फी कैमरा जो कि छोटी सी नॉच के अंदर लगाया हुआ है, वो है 8 मेगापिक्सल का। लेफ्ट हैंड साइड पे हमें सिम ट्रे मिल जाती है, राइट हैंड साइड पे हमें पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर्स मिल जाते हैं। बैक की बात करें तो हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है जो कि 13 मेगापिक्सल AI कैमरा है और साथ ही हमें फ्लैश LED लाइट मिल जाती है। सेंटर में हमें फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, बॉटम में हमें रियलमी की ब्रांडिंग, उसके साथ ही स्पीकर मिल जाता है। बॉटम में हमें मिल जाता है 3.5 mm जैक, माइक्रोफोन और माइक्रो USB की पोर्ट और टॉप बिल्कुल इसका क्लीन। फिजिकल ओवरव्यू की बात हो गई, अब बात करते हैं इसके इंटरनल्स की। सबसे पहले बात करते हैं इसकी बैटरी की। इसकी बैटरी 5000 mAh की काफ़ी बड़ी बैटरी है। जब मैं यूज़ कर रहा था स्मार्टफोन, मुझे कोई मसला नहीं आया। 2 से 3 दिन मैंने इजीली इस स्मार्टफोन को यूज़ किया और ये मुझे डर नहीं था कि मुझे बैटरी चार्ज करने फौरन घर भागना, क्योंकि ऐसा मोमेंट आया ही नहीं। मैंने तकरीबन उसको 1.5 हफ्ता इस्तेमाल किया और उसमें मैंने उसको सिर्फ 3 दफ़ा चार्ज किया। मेरा यूजेज जो मेरा प्राइमरी स्मार्टफोन है उसका ज़्यादा यूजेज है, मेरे सेकेंडरी में इसको यूज़ कर रहा था तो मैंने ये नोटिस फिर भी नोटिस किया कि भाई उसमें इतनी जल्दी इसकी बैटरी ड्रेन नहीं हो रही। ये देख के मैं थोड़ा परेशान भी था कि भाई इतनी स्लो क्यों ड्रेन हो रही है, क्योंकि वो बोलते हैं ना पहले मीठा मीठा फिर बाद में एकदम धूम, तो मैं डर गया था। खैर मैंने थोड़ा सा इसकी डिटेल्स पढ़ी तो पता चला कि इसका जो डिस्प्ले है 6.5 mAh का जो डिस्प्ले लगाया हुआ है वो है 720x1600 पिक्सल्स का। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि हाँ यार, ये एक और वजह है कि कंपेयर जब चीज़ें मिलती हैं साथ कंबाइन होती हैं तब जाके एक अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड होता है। तो इसमें सबसे अच्छा जो इसकी बैटरी की परफॉर्मेंस है उसमें डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छा अपना रोल अदा कर रहा है। ठीक है जी, हमें 13 मेगापिक्सल का कैमरा पीछे मिल जाता है जो कि ज़बरदस्त AI कैमरा है। 1080p पे आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, ज़बरदस्त इमेजेस खींच सकते हैं। सैम्पल्स मैं अटैच कर दूंगा वीडियो में, तो सैम्पल ज़रूर देखिएगा। और इसके अंदर आपको एक मिड रेंज का चिपसेट मिल जाता है जो कि है हीलियो G35 का। एक काफ़ी अच्छा मिड रेंज प्रोसेसर है, काफ़ी अच्छी प्रोसेसिंग है। सिर्फ इस स्मार्टफोन में नहीं, मैंने उसको पर्सनली दूसरे स्मार्टफोन में भी यूज़ किया तो मुझे थोड़ा ज़्यादा बेहतर आइडिया हुआ कि इस चिपसेट किस तरह वर्क करता है। तो ओवरऑल इट्स अ गुड स्मार्टफोन। अब बात करते हैं इसके स्पीकर्स की, इसके साउंड की, क्योंकि इसका स्पीकर काफ़ी टाइम बाद कोई स्मार्टफोन आया जिसका स्पीकर पीछे लगा हुआ है, तो इसका स्पीकर के साउंड सुनते हैं और देखते हैं वो साउंड किस तरह का है। चलें जी, हमने यूट्यूब लगा दिया है और मैं एक ऐसा म्यूज़िक लगाऊं जो कि मसला ना करे। काफ़ी लाउड स्पीकर है इसका, कोई मसला नहीं आया, काफ़ी ही लाउड, काफ़ी ज़्यादा लाउड स्पीकर है इसका। बाकी बैटरी की बात मैं आपको बता चुका हूँ और स्मार्टफोन की काफ़ी चीज़ें मैं आपको बता ही चुका हूँ। चलें चलते हैं एंड पे। सो दिस वाज द रिव्यू ऑफ Realme C21। पर्सनली मुझे ये स्मार्टफोन काफ़ी पसंद आया था क्योंकि इसके प्राइस में काफ़ी अच्छे स्पेक्स के साथ ये स्मार्टफोन रिलीज हुआ है। 2 वेरियंट मिल जाते हैं, 3GB और 4GB रैम वाले, और अगर 4GB रैम वाला आप ले लेंगे तो आपकी ज़िंदगी और मज़ीद आसान हो जाएगी। मैं हमेशा स्मार्टफोन में जब इन्वेस्ट करने का सोच रहा होता हूँ या फिर कोई स्मार्टफोन आता है उसमें मैं सोचता हूँ कि ये इतने का स्मार्टफोन और बंदा इसमें इन्वेस्ट करेगा तो उसका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए। पर्सनली मैं जब भी सोचता हूँ कि हाँ भाई इसमें इन्वेस्ट करते हैं स्मार्टफोन में, तो मैं ये देखता हूँ कि उसकी स्पेक्स कैसे हैं, उसका फीचर्स कैसे है, और ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं क्योंकि आप एक अच्छी अमाउंट पे कर रहे हो उस प्रोडक्ट के लिए या उस स्मार्टफोन के लिए। किसी भी चीज़ में आप अगर कोई भी चीज़ आप लेते हैं तो मेरा पर्सनली जो मैं सोचता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप भी उस तरह एक दफ़ा सोच के देखें, शायद आपकी ज़िंदगी और काफ़ी चीज़ें डिसीजन मेकिंग आसान हो जाए। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि आप जो पैसे दे रहे हो, जो आप रकम दे रहे हो, वो क्या वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं। रियलमी का ये स्मार्टफोन अगर सस्ता है तो उसकी वजह है, छोटे छोटे गाँव में बैक पैनल प्लास्टिक है, USB टाइप सी नहीं है इसमें, लेकिन डज इट मैटर? नो इट डजंट, क्योंकि इसकी प्राइस जितनी है उस हिसाब से ये स्मार्टफोन ब्रिलियंट है।
तो ये था रिव्यू Realme C21 का। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ये नहीं कि बस आए देखें और चले जाए, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक भी करिएगा और कमेंट में मुझे ही बताइएगा क्या मैं इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ अपने स्मार्टफोन में और क्या चीज़ होंगी जो मैं चेक करूँ जो आपके लिए आसान हो। अगर आप जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करने की कोशिश करूँगा। ठीक है जी, तब तक के मुझे इजाजत दें, मेरा नाम है अरबाब फैयूम कासी, साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफ़िज़।